नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने आर टू आर लैडर डीएसी कन्वर्टर्स का सर्किट डायग्राम फॉर एन नंबर ऑफ बिट्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे और उसी का इन जनरल जो फार्मूला बनेगा वो भी आपको बताएंगे। तो जो एन बिट आर टू आर लैडर डीएसी कन्वर्टर है उसमें एन नंबर ऑफ बिट्स हैं, उनको इन जनरल कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो देख लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं बी एन माइनस वन, देन बी एन माइनस टू, देन बी एन माइनस थ्री, और करते करते यहाँ क्या होगा बी नॉट। जीरो से लेके एन माइनस वन टोटल आपकी एन नंबर ऑफ बिट्स होंगी, जिसमें बी एन माइनस वन यहाँ जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और बी नॉट जो यहाँ अवेलेबल है वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे स्टार्ट होगा, पहले टू आर रजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट होगा, इसी के साथ एक लैडर फॉर्म में टू आर रजिस्टेंस होगा, ये आपका एक स्विच से कनेक्ट होगा, एक ऑप्शन है कि आपका रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो, दूसरा ऑप्शन है ग्राउंड से कनेक्ट हो। अगर आपका बी नॉट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो फिर ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो फिर ये रेफरेंस से कनेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्विचिंग है आर टू आर लैडर रिपीट होती रहेगी और यहाँ पे बी वन जो आपकी बिट है उसका स्टेटस होगा, अगर वो वन है तो रेफरेंस के साथ कनेक्ट है, अगर वो बी वन बिट आपकी 0 होगी तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। इस तरीके से रिपीटेशन होते होते यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका स्विचिंग सर्किट होगा, अगर वो वैल्यू वन हो तो ये आपका रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा, अगर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो फिर आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगा, और ये पॉजिटिव इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा आपका ग्राउंडेड है, तो ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप एम्प की है वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। आउटपुट और इनपुट के बीच में एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रखा है आर एफ, और इस डीएसी कन्वर्टर का जो ओवरऑल आउटपुट है वो ऑप एम्प की आउटपुट होगी, दैट इज वी नॉट। तो अगर हम एन नंबर ऑफ बिट्स का जो सर्किट डायग्राम कंसिडर करें तो इसका जो फार्मूला है इन जनरल वो क्या होगा वो आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। 3 बिट का वर्किंग इन डिटेल पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इन जनरल जो फार्मूला होगा वो क्या है वी रेफरेंस मल्टीप्लाई विद माइनस आर एफ यानी फीडबैक रजिस्टर्स डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई विद समेशन आई वेरिएबल इक्वल टू 0 टू आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, और अंदर क्या होगा बी आई डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन माइनस आई। ये है आपका इन जनरल फार्मूला जिसका वर्किंग और जिसको अप्लाई करना मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, एन नंबर ऑफ बिट्स आपको अवेलेबल हैं, इस फार्मूले को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो पहली बात जो कैपिटल एन है ये क्या है सर, ये है आपका नंबर ऑफ बिट्स यानी कितने नंबर ऑफ बिट्स एट ए टाइम इस डीएसी कन्वर्टर के इनपुट पे अवेलेबल होंगे, और जो आपका आई है, आई क्या है, आई कुछ भी नहीं, ये सिंपल एक वेरिएबल है जो हमेशा चेंज होता रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जो आई की वैल्यू है वो 0 से लेके मैक्सिमम एन माइनस वन, एन आपका क्या है लेट अस से जो भी वैल्यू है तो वो होगा आपका 0 टू एन माइनस वन। इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, वी नॉट, रेफरेंस वोल्टेज आपको हमेशा दी जाएगी तो वी रेफरेंस, आर एफ रजिस्टर्स आपको बताया जाएगा, आर रजिस्टर्स आपको बताया जाएगा जो कि इस लैडर रजिस्टेंस में होगा मल्टीप्लाई। अगर आप इस पूरे समेशंस को ओपन करना चाहते हो तो पहले आई 0 पुट करें, आई 0 मतलब बी नॉट, आई 0 और नीचे क्या होगा 2 की पावर एन, 2 की पावर एन। अब देखो बी नॉट आपको गिवन होगा यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर ये 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस अब आई 1 पुट होगा तो क्या बनेगा, दिस इज बी वन डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस वन।
जो भी यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से नेक्स्ट बिट है वो B1 होगा। अगर वो 0 है तो 0, 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, और 2 की पावर n-1। इसी तरीके से ये एक्सटेंड होता रहेगा, B2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-2। लास्ट में करते करते आप क्या लिखेंगे, n-1। जब आई मैक्सिमम n-1 हो तो n-1 जब पुट होगा तो बी क्या बन जाएगा, B n-1 डिवाइडेड बाय ये क्या पुट करोगे आई को, n-1, तो 2 की पावर n-, आई क्या रखोगे, n-1, तो n+1 हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में कोई भी n नंबर ऑफ बिट्स का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इस जनरल फार्मूले की हेल्प से और इसकी अंडरस्टैंडिंग से इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। इससे जो बच्चों नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम R2R लैडर DAC कन्वर्टर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट और इजीली समझ आ सके। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।